हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4, और 7.4 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। चलिए पहले जान लेते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो पहले तो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पर, वो ये तीन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो केवल ये तीन फॉर्मूले यूज होने हैं। यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा आपको ई रेज टू पावर एक्स, तो आप याद कर लें, ये मैं करा देता हूं अभी, साथ साथ सुनते रहे, बस ध्यान से सुने, अभी याद करा दूंगा। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एच डी होता है भाई। ई जब भी आएगा, ई का जब भी डेरिवेटिव करना होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर है ए रेज टू पावर एक्स, तो ए रेज टू पावर एक्स का क्या होगा, सेम होगा, और बेस के साथ क्या लग जाएगा, लोग, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब कौन सा यूज कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ये बेस में आपको ई नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला केवल तभी यूज होगा जब बेस में क्या हो, ई हो, केवल तभी यूज होगा जब बेस में क्या हो, ई, ठीक है। और ये वाला, ये सेकेंड जो फॉर्मूला है आपका, ये ई को छोड़ करके कितने अल्फाबेट बच गए हैं, 25 अल्फाबेट बच गए हैं हमारे पास, तो उनमें से ई के अलावा जितने अल्फाबेट बचे कोई भी यहाँ पर आए, उनमें से 25 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट हो, हमेशा ये वाला यूज होगा। और साथ ही काउंटिंग के अगर कोई भी नंबर आता है यहाँ पर, जैसे 2 raised to power x, 3 raised to power x, तो भी यही यूज होगा। यानी कि फर्स्ट वाला केवल कब यूज होगा, जब ई रेज टू पावर एक्स हो, बाकी सभी के अंदर किसी की भी पावर एक्स आ जाए, किसी भी वेरिएबल की, अल्फाबेट की या फिर कांस्टेंट की पावर एक्स आ जाए, हमेशा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट केवल कब यूज होगा, जब ई रेज टू पावर एक्स हो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा याद करने के लिए, ई का तो क्या होता है, सेम। अगर ई के अलावा कोई और नंबर है या अल्फाबेट है आपका, तो वो क्या रहेगा, एच डीज रहेगा। और यहाँ जो बेस होगा ना, उसके साथ आपको क्या लगा देना है, लोग लगा देना है भाई, ठीक है, क्या लगा देना है, लोग। उसके बाद देख रहे हैं हम थर्ड, थर्ड क्या आपका, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, इसी को बोलते हैं, एलओजी लिख गए ना, तो शॉर्ट में तो होता है लॉग और फुल फॉर्म होती है इसकी लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग, अब यहां से घबराने की जरूरत नहीं है भाई, लॉग क्या होता है, लॉग केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज करते हैं, मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपका, ठीक है, जो बड़ी कैलकुलेशन को इजी फॉर्म में इजी तरीके से सोल्व कर देता है, जैसे कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा भी आगे, ठीक है। तो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, याद नहीं रखेंगे आप, कैसे याद रखेंगे, 1/एंगल, क्योंकि यहां पर फिलहाल एक्स है, इसलिए अपॉन में एक्स लिखा है, यहां पर एक्स की बजाय कोई और नंबर आ गया तो आप एक्स ही लिखोगे, इसलिए आप 1/x याद नहीं रखोगे। तो कैसे याद रखोगे, लॉग का डेरिवेटिव 1/एंगल, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पर जो लिखा होता है उसको बोल रहे हैं हम। तो ये तीन तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज होने हैं, इसके अलावा लॉगरिथम की ये चार प्रॉपर्टी है जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टियां क्या है भाई, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जब लॉग होगा ना तभी आपको ये अप्लाई करनी है, ठीक है। तो दो टर्म अगर इनटू के अंदर है तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, और अपॉन में है तो क्या होगा, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी याद करा देता हूं, इनटू में है, मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच में प्लस होगा और दोनों के साथ लॉग अलग अलग लग जाएगा, और डिवाइड हो रही है, ठीक है, डिवाइड में है टर्म, एक न्यूमिनेटर में है दूसरी डेनोमिनेटर में है, तो भी दोनों के साथ लॉग अलग अलग यूज होगा, लेकिन बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच में प्लस, और डिवाइड हो रही है तो बीच में माइनस। इसके बाद थर्ड नंबर की ये प्रॉपर्टी आती है, इससे हमें क्या समझना है भाई, लॉग के एंगल में जो आपको दिख रहा है इसकी पावर में अगर कोई नंबर है तो वो आप कहां लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लॉगरिथम के ही, ये लॉग के एंगल में एम दिख रहा है आपको और इसकी पावर में क्या है, एन, तो ये कहां लिख सकते हैं आप, आगे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आई ये प्रॉपर्टी। तो ऐसे याद कर लेना है कि भाई लॉग की एंगल की पावर में जो नंबर होगा उसको आप आगे लिख सकते हो। और अब आ जाते हैं इस पर, तो इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी आपकी केवल तभी यूज होगी जब बेस आएगा। बेस किसको बोल रहे हैं, यहाँ लॉग के साथ छोटा सा यहाँ पर एक नंबर आपको लिखा मिलेगा, फिलहाल के लिए मैंने ए लिख रखा है, ठीक है। तो ये बेस जब भी आएगा तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी भाई। तो कैसे यूज होगी, ये होगा आपका लॉग ऑफ बी अपॉन में लॉग ऑफ ए। कैसे याद करोगे, ये आपका क्या है, इसका एंगल है, ठीक है। तो लॉग ऑफ बी
अपॉन में लॉग ऑफ ए, मतलब ऊपर वाले के साथ लॉग लगा के कहां लिख देंगे, ऊपर, और नीचे वाले के साथ लॉग लगा के कहां लिख देंगे, नीचे। याद करने का तरीका ऐसे याद रखेंगे, लॉग ऊपर जो लिखा है वो उसके साथ लॉग लगा के ऊपर, और नीचे जो लिखा है उसके साथ लॉग लगा के नीचे। भाई ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, है ना, अदला बदली नहीं होगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा। तो ऐसे आप इन लॉगरिथम की प्रॉपर्टियों को याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि डेरिवेटिव यहां पर होगा कैसे, ठीक है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है और इसकी होल पावर है, तो पहले होगा पावर का। देखिए यहां पर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं एक चीज। यहां पर मान लीजिए हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर, मान लीजिए आपके पास है एफ एक्स और होल पावर है एन, ठीक है। तो पहले किसका होगा, पावर का। पावर का होगा, पावर आगे चली जाएगी, ठीक है, बेस आपका सेम रहेगा और पावर में से कितना माइनस हो जाएगा, वन। पावर का होगा पावर आगे, पावर में से वन माइनस, कौन सा रिजल्ट यूज हुआ है, एक्स की पावर एन, क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है भाई, ठीक है। तो जो पावर थी वो पावर आगे चली गई और पावर में से कितना माइनस हो जाएगा, वन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ पावर का। उसके बाद किसका होगा, पावर का होने के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर जाने की परमिशन मिल गई, और अंदर जाते ही पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, ठीक है, याद रखें आप, पहले किसका होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, एच टीज होता है, तो ई का करेंगे तो क्या आएगा, एच टीज आएगा, ठीक है, एच टीज आ जाएगा। अब किसका बचता है, एफ एक्स का, ठीक है, तो इंटू में अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको स्टेप क्लियर कराना चाह रहा था कि अगर आपको होल पावर मिलती है, पूरे की होल पावर मिलती है, तो पहले पावर का, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो है यहां पर, ठीक है, फिर उसका होगा, ठीक है। तो याद रखें, पहले e का होगा, फिर e की पावर में जो टर्म है उसका होगा, ठीक है भाई। सेम इसी प्रकार से इसके अंदर है, ठीक है। तो ये तो दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया आपका। लॉगरिथम पर आ जाते हैं, तो लॉगरिथम में भी पहले किसका होगा, अगर इसकी यहां पर कोई पावर होती तो पहले पावर का, फिर लॉग का, और फिर उसके एंगल का, ठीक है, पहले पावर का, फिर लॉग का, फिर उसके एंगल का, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं एक बार बेस क्वेश्चन, वो वहां से क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो क्वेश्चनों से तो होगा ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, वाई के इक्वल टू लेट कर रहे हैं हम, ई रेज टू पावर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखिए ई की पावर में है ये, ठीक है ना, तो करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का तो क्या हो जाएगा भाई, dy वाई अपॉन में डी एक्स, और इधर पहले किसका होगा, e का होगा। अगर होल पावर होती तो पावर का होता, ये तो खाली e की पावर में है, समझे। तो मैंने अभी बताया, पहले अगर e का ना, e की पावर में है तो पहले e का होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा, और फिर उसकी पावर का होगा। तो e का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, सेम होता है, तो e का करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अभी किसका बचा है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी पावर में जो नंबर था उसका बचा हुआ है, क्लियर हुआ भाई। तो e का करेंगे तो एच डी जाएगा, और फिर इंटू में किसका होगा, e की पावर में जो नंबर है, तो यहां से आ जाएगा हमारा e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एच डी है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, पढ़ चुके हो आप कई बार ये चीज, है ना, टू आगे जाएगा, टू में से वन माइनस करेंगे, वन बचेगा, वन लिखना जरूरी नहीं था, तो यहां से हो गया टू एक्स को मैं पहले लिख रहा हूं, ई रेज टू पावर क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पार्ट और देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं, वाई के इक्वल टू लेट करते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है भाई, क्या है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो यहां पर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां पर लॉग का करेंगे, लॉग का करेंगे तो पहले मैंने आपको बताया, पहले लॉग का होगा, फिर उसके एंगल का होगा। तो लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है वन अपॉन एंगल, तो इसके एंगल में फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, सीकेंट, तो लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सीकेंट, क्लियर हुआ भाई। लॉग का किया तो क्या होगा, वन अपॉन एंगल, और एंगल क्या था, सीकेंट, तो वन अपॉन सीकेंट, इसलिए मैंने बोला था वन अपॉन एक्स याद मत करो, वरना वन अपॉन एक्स ही लिखोगे फिर यहां पर, क्योंकि लॉग का एंगल यहां पर एक्स नहीं है, क्या है, सीकेंट है, ठीक है। अब किसका बचा है यहां पर इंटू में, डी वाई डी एक्स किसका बचा है, सीकेंट एक्स का, इसके एंगल का, तो ये अगले स्टेप में करेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन में सीकेंट एक्स इंटू में सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट का क्या होता है भाई, सीकेंट इंटू टेन, तो आप देख सकते हैं सीकेंट से सीकेंट क्या हो गया, कैंसिल, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू खाली क्या बचा है, टेन एक्स,
टेन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x, ठीक है। तो ये आपके पास dy / dx की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एट पार्ट और, तो लेट कर लेते हैं y के इक्वल टू क्या है मेरे पास, log ऑफ 7 इंटू log ऑफ x। तो इसमें आपको एक छोटा सा बेस नजर आ रहा है, बेस नजर आ रहा है मतलब ये प्रॉपर्टी लगेगी, क्लियर है भाई। और प्रॉपर्टी मैंने आपको कैसे याद कराई थी कि न्यूमिनेटर के साथ मतलब ऊपर वाले के साथ लोग लगा के, ये ऊपर एंगल है इसका, ठीक है ना, जैसे बी के साथ लोग लगा के ऊपर लिख दिया था और बेस के साथ लोग लगा के कहां लिखा, नीचे। तो बेस कितना है यहाँ पर 7, तो 7 के साथ लोग लगाते हैं और नीचे लिख देते हैं। और एंगल क्या है, लॉग एक्स, तो इसके साथ लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, क्लियर करना। लॉग एक्स तो ये पहले ही था, इसके साथ लोग लगाया तो डबल लॉग हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने लॉग ऑफ बी अपॉन में लॉग ऑफ ए, तो ये आपका बी था और ए क्या था 7, तो लॉग ऑफ बी अपॉन में लॉग ऑफ ए, क्लियर हुआ। चलिए अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, तो यहां कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। वाई का करते हैं तो क्या होगा भाई, डीवाई अपॉन में डीएक्स। आप ध्यान से देखेंगे तो डेनोमिनेटर के अंदर एक्स की टर्म नहीं है, और नहीं है तो लॉग 7 क्या है भाई, कॉन्स्टेंट, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो मैंने बाहर निकाल लिया है, किससे, डीवाई डीएक्स से। तो डीवाई डीएक्स किसका होना है, लॉग लॉग ऑफ एक्स का होना है भाई, ठीक है, किसका होना है, लॉग लॉग ऑफ एक्स का। इसमें तो एक्स की टर्म ही नहीं थी तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब डीवाई अपॉन में डीएक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में लॉग 7, यहां पर पहले इस लॉग का होगा, और लॉग का क्या बताया था, 1 अपॉन में एंगल, तो इस लॉग का जब होगा तो इसका एंगल तो ये पूरा है, तो क्या जाएगा 1 अपॉन में एंगल, और एंगल क्या है इसका, लॉग एक्स। अभी बचा हुआ है भाई, किसका बचा हुआ है, एंगल का बचा हुआ है, इस लॉग का ही तो हुआ है, इस लॉग एक्स का तो बचा है ना, तो इंटू में क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, अगले स्टेप में करेंगे इसका। तो यहां से हो गया हमारा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, पहले मैं log x को लिख देता हूं, फिर log 7 को लिख देता हूं, ठीक है। अब इंटू में आ जाओ इस पर, इस पर भी log का करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एंगल, एंगल क्या है x, तो 1 अपॉन x। अब x का भी बचा हुआ है, लेकिन x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इन सभी को साथ में लिख देते हैं, तो न्यूमिनेटर में तो खाली 1 है, यहां पर 1 इंटू 1 1, एक्स को मैं पहले लिख देता हूं, और फिर क्या है मेरे पास लॉग एक्स, और इनटू में क्या है भाई लॉग 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई भेद नहीं है, बस ये बात ध्यान रखें, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर उसकी पावर में जो टर्म है उसका होगा, ठीक है। और लॉग में पहले लॉग का, फिर उसके एंगल का, अगर इनकी होल पावर आ जाती है तो फिर पहले पावर का हो जाएगा, ठीक है, फिर वैसे सेम अभी जो स्टेप बताए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक पार्ट और भी देखते हैं एक्सपोनेंशियल में, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट और देख रहे हैं हम, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पर एक ही हुआ था इसलिए दोबारा से ये पार्ट लिया हमने, मतलब एक्सपोनेंशियल पर लिया है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले क्या करेंगे, वाई के इक्वल टू लेट कर लेंगे ई रेज टू पावर साइन रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो इधर आएंगे देखिए, पूरे की होल पावर नहीं है, खाली ई की पावर में क्या है साइन रूट एक्स है, ई की पावर में क्या है साइन रूट एक्स, तो पहले किसका होगा ई का होगा, पहले बेस का होगा, याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले किसका होगा बेस, ठीक है। तो ई का पहले होगा, और ई का क्या होता है आपको याद कराया, ई का क्या होता है एच डी जो होता है, तो ई का जब करेंगे तो ये एच डी जाएगा, ई का करेंगे तो क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर साइन रूट एक्स, सेम आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ई का, चलिए अब इसकी पावर का, पावर का पावर में क्या है आपके पास साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, तो इसका बाकी अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। फुट वगैरह नहीं करेंगे हम, सीधा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और पूरे चैप्टर में यही तरीका यूज करूंगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, कब पुट करना है कब नहीं करना है, ठीक है। वो अलग चीज थी जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को पुट करना था, मतलब यहाँ पर हम वी या यू वगैरह लेट करके नहीं करवा रहे आपको, वो तो उससे भी जाएगा लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ही कॉमन तरीका पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया भाई, ये आपका क्या रहेगा एच डी ई रेज टू पावर साइन रूट एक्स इंटू में साइन का क्या होगा कोस होगा, साइन का क्या होगा कोस रूट एक्स, ठीक है। अब किसका हुआ साइन का, ठीक है। उसके बाद इसके एंगल का नंबर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं, साइन का क्या होगा कोस और एंगल रहेगा एच डी। अब इंटू में डीवाई डी एक्स किसका होगा इसके एंगल का, जो कि कब करेंगे अगले स्टेप में। तो यहां पर कोस रूट एक्स एक छोटी टर्म है, इसको मैंने आगे लिख दिया,
और e रेज टू पावर साइन रूट एक्स थोड़ी साइज में बड़ी थी तो पीछे लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए रूट का भी मैंने आपको बता रखा है पिछली एक्सरसाइजों में कि रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 लिखे और इस टर्म को सेम लिख दें। ठीक है, तो ये होता कैसे है, ये चीज हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस की थी, मैंने वहां पर आपको डिटेल में समझाया था। अब आप सीधा स्टेप यूज कर सकते हैं, तो जब भी रूट का करना हो 1/2 लिखे और उस टर्म को एज इट इज लिख दें। ठीक है, अभी भी बचा हुआ है किसका, बचा हुआ है अब एक्स का, और एक्स का इंटू में कितना हो जाता है 1। अब सभी को थोड़ा इकट्ठा करके लिख देंगे, 1 तो इंटू में लिखना जरूरी नहीं है। अपोन में हमारे पास क्या है 2√x, और न्यूमिनेटर में क्या है भाई cos√x e^(sin√x)। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और फिर उसकी पावर में जो आ रहा है उसका करेंगे। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन log ऑफ 3x, मैक्सिमम पार्ट में आपको करा दूंगा। ठीक है, इजी इजी छोड़ूंगा आपके लिए। तो y इक्वल्स टू साइन log ऑफ 3x, तो देखिए चैन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अब यू थोड़ी ना सीधा आप इसके अंदर चले जाओगे भाई, मान लीजिए इस बिल्डिंग के अंदर जाना है आपको, बिल्कुल अंदर जाना है, तो पहले मेन गेट से एंट्री करोगे, फिर नेक्स्ट गेट में, फिर नेक्स्ट गेट में, तभी तो सीधा पहुंचोगे। ये थोड़ी ना कि सीधा छल्ला मार के सीधे यहाँ चले जाओगे। तो 1/1 चलते हैं। देखिए पहले चलेंगे साइन पर, साइन का करेंगे हिसाब किताब, फिर पहुंचेंगे लोग पर, फिर इसका हिसाब किताब करेंगे, फिर इस लोग पर, और फिर पहुंचेंगे 3x पर। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप बस, और कोई बात नहीं है। तो करते हैं चलिए, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या हो जाएगा भाई dy अपॉन में dx, सबसे पहले मिला साइन, और साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है cos। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पूरा साइन के एंगल में है, साइन का थीटा है, और ये क्या लिखना होगा आपको, सेम लिखना होगा। ठीक है, साइन का तो हो गया cos, लेकिन जो साइन का थीटा था वो आपको एज इट इज लिखना है, तो हमने लिख दिया। चलिए अभी किसका बचा है भाई, अब बचा है हमारा dy dx, साइन तो निमट गया, तो साइन के अलावा क्या बचा हुआ है, log ऑफ 3x बचा हुआ है। ठीक है, साइन को तो निपटा दिया हमने, चलिए ये हो गया भाई। तो यहां पर क्या होगा, cos इंटू log ऑफ 3x, चलिए इसका करते हैं अब। ठीक है, ये तो हो चुका है, ये एज इट इज चलता रहेगा। अब इस log का, और log का क्या होता है 1/angle, ऐसे याद रखेंगे। तो इस log का जब करेंगे तो 1/angle, और इसका एंगल ये है भाई, इसका एंगल क्या है log ऑफ 3x, तो इस log का जब करेंगे तो क्या आएगा 1/angle, और इसका एंगल क्या है log ऑफ 3x। अब भी बचा है, ये तो इसी तो log का हुआ है, अब इसका बचा हुआ है, तो इंटू में लिख देते हैं dy dx ऑफ log 3x, इसका बचा हुआ है, अगले स्टेप में देखेंगे इसको, एक स्टेप में एक ही करते चलें। ठीक है, तो इस टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटू में तो है ये, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 3x, और अपोन में क्या था आपके पास, अपोन में था log ऑफ 3x। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आ जाइए यहाँ, अब इस log का करेंगे तो क्या होगा, log का तो वही होता है 1/angle, और इसका एंगल क्या है 3x, तो क्या आ जाएगा 1/3x। अब भी इंटू में बचा है, किसका बचा है भाई 3x का, और 3x का करेंगे तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने एक ही स्टेप में दोनों कर दिए, तो आप देख सकते हैं इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल, तो ये x कहां पर बचा है अपोन में, तो इसके साथ आ जाएगा नीचे x log ऑफ 3x, और न्यूमिनेटर में क्या हो गया भाई cos log ऑफ 3x। ठीक है, इसके अलावा 1 × 1 ही है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा कि हम 1/1 करते चले गए अंदर तक, पहले साइन का किया, ठीक है, फिर log का किया, फिर इस log का किया, और फिर 3x का, एक स्टेप में एक ही डेरिवेटिव करें, आप कोशिश ये करें कि एक स्टेप में एक ही डेरिवेटिव हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो y के इक्वल टू लेट कर ले आप, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स e^(x) इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो चलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर इनवर्स फंक्शन आया है तो अंदर से टेन बढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि बढ़ा ही नहीं सकते हैं, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो पुट करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो अपना सीधा डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy / dx, और पहले क्या किसका होगा यहाँ पर टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का क्या होता था 1/1 + एंगल का स्क्वेयर, और एंगल क्या है e^(x) / x² और इसका होल स्क्वेयर।
ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एंगल का स्क्वायर याद करना बताया था। अब हो गई ना कंफ्यूज, मैंने आपको बताया था भाई डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स और क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था ऐसे याद करना वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर याद रखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लिखोगे। ये फिलहाल एक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ एंगल में एक्स था, यहाँ पर एक्स नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया टेन इनवर्स का। अब इंटू में क्या बचता है भाई, इंटू में बचता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसका हम करेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। थीटा का बचा हुआ था ना, तो यहां से हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस पूरे का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4। आप चाहो तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख के रख सकते हो, जरूरी नहीं है अलग अलग लिखना, ठीक है। यहाँ पर a तो देखो आपका कॉन्स्टेंट है तो ये तो आ जाएगा बाहर, तो इंटू में क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ये दोनों वेरिएबल है और दो वेरिएबल इंटू में आ गए तो यहाँ पर क्या लगेगी u इंटू v लगेगी। तो वन अपॉन में क्या था आपके पास वन प्लस ए स्क्वायर e रेज टू पावर 2x और प्लस इंटू एक्स की पावर 4। इंटू में आपके पास a था और इसमें लगाएंगे हम u इंटू v, तो क्या होती है फर्स्ट टर्म एच डीज बाई डी बाई डी एक्स किसका सेकेंड टर्म का प्लस सेकेंड टर्म एच डीज और डी बाई डी एक्स किसका फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर टू एक्स एक्स की पावर 4 इंटू में a ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस एक्स स्क्वायर आपका एच डीज है, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। ये हमने कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा अब वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x और x की पावर 4, ये सेम लिखा हुआ है इंटू में a, e की पावर x आपको क्या दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो इसको कॉमन कर लेते हैं और साथ ही x इसमें भी है इसमें भी है, x भी कॉमन दिख रहा है तो x भी कॉमन कर लेते हैं और e की पावर x भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव तो हो चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई। तो e की पावर x कॉमन था और साथ ही एक x की टर्म कॉमन थी तो यहां से e बाहर गया x बाहर गया क्या बचा 2 प्लस यहां से x की एक पावर बाहर गई x बचा और e बाहर जा ही चुका है तो ये बचा आपके पास। अब इस कंप्लीट को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख दें आप, तो न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो क्या होगा a e रेज टू पावर x सॉरी a x e रेज टू पावर x और इसको 2 प्लस x लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो अच्छा कैसे लगेगा x प्लस 2 लिखेंगे तब तो, ठीक है। तो वो बात तो एक ही है 2 प्लस x लिखे x प्लस 2 लेकिन आप थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। और अपोन में क्या है अपोन में है 1 प्लस 1 और e रेज टू पावर 2x और x रेज टू पावर 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने आपको बताया इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर भी लिख के रख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है अलग अलग लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि थर्ड के सभी पार्ट्स के अंदर u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगनी है। क्यों लगनी है भाई, क्योंकि यहाँ पर डबल टर्म आपको इंटू में मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया वाई के इक्वल टू इसको और अब हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का तो क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म इंटू में है तो क्या लगेगी यू इंटू वी लगेगी। क्या होती है यू इंटू वी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि फर्स्ट टर्म एच डीज लिखी जाएगी और डी बाई डी एक्स किसका होगा कोस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। प्लस अब की बार सेकेंड टर्म आपकी एच डीज रहेगी, कोस बी एक्स प्लस सी एच डीज रहेगा और डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई ई रेज टू पावर ए एक्स का, क्लियर। अब यहाँ पर होगा e रेज टू पावर ए एक्स और क्या हो जाएगा भाई कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन और यहाँ पर क्या होगा बी एक्स प्लस सी। कोस का किया तो हमने क्या हो गया माइनस साइन और बी एक्स प्लस सी। अभी इंटू में किसका होगा, इंटू में होगा इसके एंगल का और एंगल क्या है आपका बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
ये एच डी था, पहले हुआ कोस का क्या होता है माइनस साइन, एंगल यानी कि थीटा सेम रहेगा और थीटा का बाकी है तो इंटू में लिख दिया। अब आ जाते हैं यहां पर प्लस, ये तो एच डी था बाहर था तो सेम लिखा जाएगा, यहां पर किसका होगा इसका होगा और इसमें भी पहले किसका होगा ई का, ई का क्या होता है सेम होता है तो सेम आ जाएगा भाई। ई का क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है, इंटू में अब किसका होगा इसकी पावर का और इसकी पावर में क्या है ए एक्स, तो ए एक्स का करेंगे अगले स्टेप में ठीक है। तो यहां से चलिए सीधा सिंप्लीफाई करते भी चलते हैं साथ साथ, तो यहां पर आपको e की पावर ए एक्स और e की पावर ए एक्स यहां पर भी, भाई ये पूरी ए की तो टर्म है, इसमें भी e की पावर x आपको नजर आ रही है और ये पूरी ए की टर्म है क्योंकि सभी टर्म इंटू में लिखी हुई है तो इसमें भी e की पावर ए एक्स नजर आ रहा है, तो पूरे में से e की पावर ए एक्स हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहां से हमारा बचेगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू में इसका डेरिवेटिव, तो सी के तो साथ तो एक्स है नहीं तो इसका तो क्या हो जाएगा जीरो और बी आपका कांस्टेंट है एच डीज रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा वन, वन इंटू में लिखना जरूरी नहीं है भाई। इसका जीरो क्यों हुआ क्योंकि एक्स की टर्म नहीं थी, तो इसका जीरो क्यों नहीं हुआ क्योंकि इंटू में एक्स था और एक्स का डेरिवेटिव होगा फिर, अगर एक्स नहीं होता तो बी का होता और फिर बी का जीरो होता, लेकिन इंटू में एक्स है तो एक्स का होगा बी का होगा ही नहीं, ये डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा वन, वन इंटू में आपको लिखना जरूरी नहीं है ठीक है। तो चलते हैं आगे, यहां जाते हैं बीच में क्या है भाई प्लस, तो प्लस ये हम कॉमन कर चुके हैं, देखते हुए क्या होगा हमारा यहां से e रेज टू पावर ए एक्स हमने कॉमन कर लिया था ठीक है, यहां से ये बचा था c का जीरो हो गया बी एच डी से, अब यहां से क्या बचा है यहां से बचा है हमारा cos बी एक्स प्लस सी एच डी था, ये कॉमन हो चुका है a कॉन्स्टेंट है एच डी रहेगा और x का कितना हो जाएगा वन, इंटू में वन लिखना जरूरी नहीं होता है ठीक है। तो ये हो गया फाइनल, तो यहां से e रेज टू पावर x छोटा नंबर है, नंबरों को हम आगे लिख देते हैं तो b को पहले लिख देते हैं साइन बी एक्स प्लस सी प्लस, यहां पर भी आपको एक ए नजर आ रहा है अकेला ना तो उसको आप आगे लिख देंगे, गिनती के नंबर हो या सिंगल अल्फाबेट हो आगे लिख दिया करो भाई ठीक है, और बी एक्स प्लस सी ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया है ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टर्म इंटू में याद रखें यू इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी तब भी दो टर्म इंटू के अंदर आएगी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट और देख रहे हैं हम ठीक है। y के इक्वल टू लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट y इक्वल्स टू a रेज टू पावर दिखना है हमारे पास 2x और इंटू में क्या है भाई log of साइन रूट एक्स, क्या है साइन रूट एक्स ठीक है। चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, यहाँ पर आपको दो टर्म दिख गई होगी इंटू के अंदर ठीक है, दो ही है केवल क्योंकि ये तो इसके एंगल में है, तो दो टर्म इंटू में है तो क्या लगेगी u इंटू वी लगेगी, क्या होती है फर्स्ट टर्म एच डीज और इंटू में डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई सेकंड टर्म का, और सेकंड टर्म आपकी क्या है log साइन रूट एक्स प्लस log साइन रूट एक्स आपका एच डीज रहेगा और डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई डी बाई डी एक्स होगा आपका a रेज टू पावर 2x का ठीक है। तो ये हमने लगा दिए u इंटू वी की प्रॉपर्टी, फर्स्ट टर्म एच टी सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एच टी फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब करते हैं सो तो यहां से हो जाएगा a रेज टू पावर 2x, पहले किसका होगा log का और log का क्या होता है वन अपॉन एंगल, थर्ड नंबर फॉर्मूला log का करेंगे तो वन अपॉन एंगल और एंगल ये है इसका तो क्या जाएगा साइन रूट एक्स, अब किसका बचा है ये तो किसका हुआ है log का हुआ है, किसका बचा है इसके एंगल का बचा है मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स का बचा हुआ है प्लस, इधर आ जाते हैं यहां पर क्या हो जाएगा भाई log ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स इस पे आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कि e की पावर x हो तब तो लगेगा फर्स्ट और e के अलावा किसी की भी पावर हो तो कौन सा लगेगा सेकंड, तो यहां पर a की पावर में x की टर्म आ रही है तो सेकंड लगेगा और सेकंड क्या होता है देखिए ये क्या लिख रखा है एच डीज तो हम भी इसको एच डीज लिख देंगे a रेज टू पावर 2x लिख दिया और साथ ही क्या लिख रखा है log ऑफ a मतलब इसमें जो बेस है ये बेस इसके साथ आपको क्या लगाना है log तो यहां पर बेस a ही है आपका तो क्या हो जाएगा log a, b होता तो log b, c होता तो log c, अब भी बचा हुआ है भाई ये तो खाली इसका हुआ है इसका ही डबल थे देखो, अब किसका बचा है 2x का तो इंटू में लिख देते हैं dy dx ऑफ 2x इसका करेंगे अगले स्टेप।
तो हमेशा पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, इनमें पहले इनके बेस का होगा, पावर का बाद में होता है, ये ध्यान रखें आप, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। तो ये वन से मल्टीप्लाई होगा आपका एल टी जाएगा ई रेज टू पावर टू एक्स अपॉन साइन रूट ऑफ एक्स, और इंटू में आ जाते हैं इस पर, साइन का क्या हो जाएगा भाई, साइन का हो जाएगा कोस, थीटा क्या था रूट एक्स, अब भी यहां पर बचा हुआ है किसका रूट एक्स का, जो अगले स्टेप में करेंगे, साइन का क्या हो गया कोस, थीटा सेम, थीटा का बचा हुआ था अगले स्टेप में देखेंगे। यहां जाते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, छोटी छोटी टर्म्स को आगे लिखते चलो, तो सबसे छोटी टर्म तो यही लग रही है मुझे, ये आगे लिख दी, फिर क्या लग रहा है लॉग ए, ये लिख दिया, अब ये लिख देते हैं भाई लॉग ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स, अब इसका नंबर है तो टू कॉन्स्टेंट है और एक्स का क्या हो जाएगा वन। चलिए अब यहां पर भी ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख सकते हैं हम, ए रेज टू पावर टू एक्स इंटू में क्या आ जाएगा कोस रूट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या इसके साइन रूट ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू में अब आ जाओ इस पर, रूट एक्स का भी बताया था मैंने, रूट का जब भी करना हो वन अपॉन टू और रूट की टर्म सेम लिख दो, वन अपॉन टू लिखो रूट की टर्म सेम, अब भी बचा है किसका एक्स का, लेकिन एक्स का क्या हो जाएगा वन, जो लिखना जरूरी नहीं है, प्लस यहां से टू इंटू वन कितना हो गया टू, तो टू को हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, नंबरों को पहले लिखेंगे भाई, टू आगे आ गया, फिर ए रेज टू पावर टू एक्स, फिर क्या लिख देंगे लॉग ऑफ ए, और फिर क्या हो गया लॉग ऑफ साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कोस अपॉन साइन क्या हो सकता है कोट हो सकता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट एंगल सेम है, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट, तो ऊपर तो था मेरे पास ए रेज टू पावर टू एक्स, तो ए रेज टू पावर टू एक्स और कोस अपॉन साइन को मैंने क्या लिख दिया भाई कोट रूट एक्स लिख दिया है, ठीक है, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट और एंगल रूट एक्स था तो रूट एक्स, और अपॉन में ये वाली टर्म देखिए ये दोनों तो मिल गए, अपॉन में ये वाली टर्म तो बची हुई है ना टू रूट ऑफ एक्स वन, इनके साथ मल्टीप्लाई होके लिखना कोई जरूरी नहीं है, समझ गए, प्लस में क्या आपके पास टू ए रेज टू पावर टू एक्स और क्या था भाई लॉग ऑफ ए और क्या था हमारे पास लॉग ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स। अब इसमें से ज्यादा आप इतना कर सकते हैं कि आप यहां से ए रेज टू पावर एक्स को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो ए रेज टू पावर टू एक्स को हम कर लेते हैं कॉमन, तो यहां से बचेगा हमारे पास कोट रूट एक्स, कोट रूट एक्स अपॉन में टू रूट ऑफ एक्स, प्लस यहां से ये तो कॉमन गया तो क्या बचा टू, फिर क्या बचा हुआ है भाई लॉग ऑफ ए, और फिर क्या बचा हुआ है लॉग ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है, तो इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो कोई नई बात नहीं है, दो टर्म जब भी इंटू में हो तो यू इंटू बी लगेगी, बस ये ध्यान रखें, ठीक है, एक पार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सेवंथ पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर ट्रिपल टर्म इंटू में आ रही है, देखिए तीन टर्म है आपके पास, ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं भाई, तीन टर्म इंटू में आती है तो क्या करेंगे, वाई के इक्वल टू लेट कर रहे हैं ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स और इंटू में आपके पास क्या है भाई टेन ऑफ एक्स है, टेन एक्स है सॉरी, ठीक है, अभी हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, तीन टर्म है, तीन में से दो को आप एच डीज रखेंगे और एक का करेंगे डेरिवेटिव, तो कोई रटने वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है, इन तीनों में से दो को सेम एक का डेरिवेटिव, तो मैं फर्स्ट दोनों को सेम लिख रहा हूँ, ई रेज टू पावर एक्स को मैंने सेम लिख दिया है और लॉग रूट एक्स को मैंने सेम लिख दिया है, और डी वाई डी एक्स मैं किसका कर रहा हूँ टेन का, ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है आप भी पहले टेन का करें, अब इन तीनों में से दो को एच डीज रखें और एक का करें डेरिवेटिव, प्लस नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अब देखिए इसका यहां पर कर चुके हैं दोबारा नंबर नहीं आएगा तो इसको तो रखेंगे सेम, अब जो बचे थे इन दोनों में से, इन दोनों में से एक को रख लो सेम, तो मैं ई को रख लेता हूं, ठीक है, और डी बाई डी एक्स किसका कर दूंगा फिर लॉग रूट ऑफ एक्स का, प्लस देखिए यहां पर हो चुका है टेन का डी बाई डी एक्स, यहां हो चुका है लॉग रूट एक्स का, तो इन दोनों को तो रखेंगे सेम, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, तो इन दोनों को रखेंगे सेम, टेन एक्स का हो चुका था इसको सेम रखेंगे, लॉग रूट एक्स को भी सेम रखेंगे, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, अब कौन बचा हुआ था ई रेज टू पावर एक्स बचा हुआ था,
तो वन बाई वन सभी टर्म्स का हो जाना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने टेन का किया, यहाँ लॉग का किया और यहाँ ई का किया, देखिए एक एक करके तीनों का हो गया ना, तो बाकी दो को एज इज रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि वन बाई वन तीनों में का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसको करेंगे सोल्व, तो देखिए ये तो एज इज दे तो बाहर ही लिखा जाएगा सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ किसका होगा, टेन का। टेन का क्या होता है, टेन का होता है आपका सीकेंट स्क्वेयर एक्स, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब तक याद नहीं किए हैं तो चैप्टर ये जब हमने शुरू किया है तो पहली वीडियो फर्स्ट वीडियो हमने फॉर्मूले बेस बनाई थी, सभी पूरे इस चैप्टर के फॉर्मूले समझा डाले थे आपको विद एग्जांपल। ठीक है, तो वो वीडियो आप अच्छे से देख ले, याद हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, ई रेज टू पावर एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पर लॉग का करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन रूट एक्स होगा। लॉग का करेंगे तो क्या बताया, वन अपॉन एंगल, और एंगल क्या है, रूट एक्स, तो वन अपॉन रूट एक्स। ठीक है, प्लस सॉरी इंटू में डी बाई डी एक्स किसका होगा, रूट एक्स का। ई ये सेम है, टेन सेम है, लॉग का किया वन अपॉन एंगल, और इंटू में क्या होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, रूट एक्स का। प्लस यहाँ पर भी आपका टेन एक्स सेम है और लॉग रूट एक्स क्या है, सेम, और इंटू में किसका होगा, ई रेज टू पावर एक्स का, और ई रेज टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा भाई, ई रेज टू पावर एक्स, बताया था ना ई का क्या होता है, सेम, तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, चलिए तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, इसमें रूट एक्स का बचा है, इस स्टेप में कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स लोगो रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स, प्लस यहां से क्या हो जाएगा भाई, ई रेज टू पावर एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू में यहां पर था वन अपॉन रूट एक्स। ठीक है, और रूट का करेंगे, इस रूट का करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, बताया ना, रूट का जब भी करेंगे तो वन अपॉन टू और रूट की टर्म सेम। ये कहां से आया था, ये तो लॉग का किया था वन अपॉन एंगल, तब आया था भाई। ठीक है, और अब इनटू में एक्स का हो जाएगा वन, वो हमें लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा यहां से, टेन एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स और ई रेज टू पावर एक्स, इसका तो पहले ही हो चुका था तो मैंने सेम लिख दिया है। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन, तो देखिए ई रेज टू पावर एक्स यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, तो ये केवल यही चीज हमारी एक कॉमन है, तो इसको तो हम कर लेते हैं कॉमन। तो यहां से बचेगा आपका सीकेंट स्क्वेयर, मैं पहले लिख रहा हूं, लॉग की टर्म हम हमेशा पीछे लिखते हैं, ठीक है ना, तो लॉग हमने पीछे, लॉग वाली टर्म को पीछे और सीकेंट स्क्वेयर को आगे लिख दिया है। प्लस यहां पर हमारा ई बाहर जा चुका है, ये बचा है आपका टेन एक्स, और देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स को रूट एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा भाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, समझे। या फिर ऐसे समझ सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, और होल स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल तो क्या बचेगा, एक्स। तो कैसे समझ रहे, तो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो गया, एक्स, और इंटू में क्या था, टू, तो यहाँ लिख देंगे टू, तो इसको मैंने थोड़ा साथ में लिख दिया है। प्लस यहां से हमारा क्या बचा हुआ है, टेन एक्स, और साथ में क्या बचा हुआ है भाई, लॉग ऑफ रूट एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स को मैंने कर लिया था कॉमन। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं इसमें और सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकता हूँ, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकता हूँ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अब हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक बहुत अच्छे से कवर किया आज इस एक्सरसाइज का, 7.4 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट थ्री क्वेश्चन के लगभग सभी पार्ट देखे हैं। ठीक है, बाकी जो पार्ट बचे हैं वो आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।